हेलो, वेलकम बैक सर। आज का टॉपिक मैं देखने वाला हूँ प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन और पावर सिस्टम, ये क्या होते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सर पावर सिस्टम। ओके, पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम कंसिस्ट करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। ओके, सो इसको प्रोटेक्ट करना मतलब पावर सिस्टम में सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले देखिए प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं पावर सिस्टम में, खासकर इलेक्ट्रिकल में। सो आईई रूल जो आया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इसमें सेफ्टी को भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। ओके, ना मैं यहां बात करूं ना कि प्राइमरी और प्राइमरी प्रोटेक्शन तो ठीक है, कोई मान लो मैं कहता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन है, कोई फॉल्ट हो गया तो सर्किट ऑपरेट हो गया, लेकिन आप सोचिए कि वो जो सबसे पहले फॉल्ट होने के बाद जो पहला सर्किट, वो सर्किट ब्रेकर या रिले जो सबसे पहले ट्रिप कर रहा है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है यानी रिले उस फॉल्ट को सेंस किया, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ, वो कह रहा था प्राइमरी प्रोटेक्शन। लेकिन कई बार ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि वो रिले सेंस ही ना करे, हो सकता है ना ऐसा कि बाय द वे वो चांस है कि वो काम ही ना करे। तो ऐसे कंडीशन के लिए एक सिस्टम के साथ हम दूसरा और रखते हैं, यानी एक रिले हमने यूज किया तो एक और हम साथ में यूज करते हैं। ओके, सो दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटेक्शन या फिर बैकअप प्रोटेक्शन। तो आई होप क्लियर समझ में आ चुका होगा ओवरव्यू, मैं आगे बात करूंगा यहाँ पे लैंग्वेज में हर एक चीजों को। सो पहला, अगर कोई फेलियर हो गया प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर फेलियर हो गया प्राइमरी रिले, सो उसके बैकअप में जो हम सेकेंडरी करते हैं ये ऑपरेट करेगा। ओके, सो ये सिग्नल ट्रिप करेगा और भेजेगा सर्किट ब्रेकर को और ऑपरेट करेगा सर्किट ब्रेकर, तो इसको बोला जाता है बैकअप प्रोटेक्शन। अब कोई कहेगा सर ये दूसरा भी फेल कर जाए तो तीसरा, तो फिर ऐसे तो बहुत सारी कहानियां, ये हो जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए तो हो जाए, तो इतना नहीं देखते हैं, पर कम से कम बैकअप तो रखना ही रखना होता है। सो बैकअप भी प्रोटेक्शन हर जगह यूज नहीं किए जाते सर, बैकअप प्रोटेक्शन की भी अपनी लिमिटेशन है। जो चीजें बहुत इकोनॉमिकल है, कॉस्टली होंगी, वहां पे अपन बैकअप और जो पूरे सिस्टम को अफेक्ट ना कर दे वहां पे बैकअप प्रोटेक्शन यूज करना होगा। अब ऐसा नहीं कि हर जगह बैकअप प्रोटेक्शन यूज करें, ऐसा संभव नहीं है। आप देखते हो अपने घरों में ही एक जगह MCB यूज करते हो तो उससे रिलेटेड चार पांच बल्ब है, पंखे जो भी है वो यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर बल्ब के पीछे जाके MCB लगा दे, हर पंखे के पीछे MCB लगा दे, ऐसा नहीं होता। ओके, सो वही है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से है, उसके वेटेज क्या है, उसके वैल्यू क्या है, उसके पैरामीटर सारे फोकस करके ही अपन प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन पावर सिस्टम को सर प्रोटेक्ट करने के लिए ही आप क्या करते हो, प्राइमरी या बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन और सेकेंडरी प्रोटेक्शन इनको हम बारीकी से देखेंगे। कहता है प्राइमरी प्रोटेक्शन, यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रोटेक्शन। ओके, द मेन प्रोटेक्शन और प्राइमरी प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन, इज द फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन व्हिच प्रोवाइड्स क्विक एक्टिंग एंड सेलेक्ट द क्लियरेंस एंड सेलेक्टिव क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट विद इन द बाउंड्री ऑफ द सर्किट सेक्शन और एलिमेंट प्रोटेक्टेड। ओके, मतलब कि अगर इसको मान लो ये कोई बस बार है, ओके, अगर इस बस बार को किसी ने प्रोटेक्ट करना है सर्किट ब्रेकर, ओके, तो एक रिले मान लो यहां रिले हमने यूज किया और फिर सर्किट ब्रेकर भी लगा होगा, लेकिन इसके साथ मुझे ना एक और रिले का इस्तेमाल करना है ताकि अगर ये फेल कर गया, अब ये देख रहा है इधर, ये देख रहा है इधर, अगर ये फेल कर गया तो दूसरा रिले इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, और यहां पे एक सर्किट ब्रेकर मैं लगाऊंगा, यहां पे क्या करूंगा, एक सर्किट ब्रेकर लगाऊंगा। सो ये जो बस है जिससे आगे भी कनेक्शंस जाएंगी, तो इसको अगर प्रोटेक्ट करना है किसी तरीके से तो दूसरा रिले है ना, इसको बोलेंगे प्राइमरी रिले और इसको बोलेंगे बैकअप प्रोटेक्शन रिले। ओके, सो ये बैकअप देता है, मतलब एक फेलियर हो गया तो अब देखिए हो सकता है कई कंडीशन में, ज्ञान से समझिए, ध्यान से और ज्ञान से, एक रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है ट्रिप करने के लिए, अगर ये फेल कर गया तो दूसरा सर्किट ब्रेकर को, दूसरा रिले सर्किट सिग्नल भेजता है किसको सर, सर्किट ब्रेकर को, यहां अगर सर्किट ब्रेकर हमारा लगा होगा, ओके, ये भेजेगा कि भाई ट्रिप हो जा। तो कई कंडीशन में सर ध्यान समझिए, बहुत सारे कंडीशन में सर्किट ब्रेकर एक ही यूज किए जाते हैं, रिले प्रोटेक्टिव सिस्टम दो यूज किए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब बहुत नीड हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो दो सर्किट ब्रेकर और दो रिले का यूज करते हैं उस कंपोनेंट को बचाने के लिए।
क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जानकारी अभी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर सर्किट रिले का उपयोग करते हैं, सर्किट ब्रेकर लिमिटेड होता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अपन हाई एक्यूरेसी वाला सिस्टम यूज करें तो ज़्यादा फॉल्ट करने की चिंता भी नहीं होगी, जैसे कि हेलीकॉप्टर के अंदर है ना। हेलीकॉप्टर के अंदर अगर बात करें ना सर, तो कई बार सिंगल क्या होता है, एक ही इंजन का उपयोग किया जाता है। लेकिन देखोगे जहाँ पे जो कोई बहुत वीआईपी बंदा है, बहुत आपके जो मतलब ऐसा बंदा है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब बहुत नामी है, बहुत कहते हो रिच बंदा है, सो ऐसे कंडीशन में आपको डबल इंजन का प्लेन यूज करते हैं ना, कि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे। और जो नॉर्मल बंदा है, हम लोग चढ़ते हैं, अगर एक भी एक पे वाला भी चढ़ गए तो वही बहुत है, कहीं गिर गए पलट गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सो ये चीज़ें होती है, वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती है, कम यूज़ की जाती है, चीज़ें कॉस्टली यूज़ की जाती है और आसान यूज है, मतलब सस्ता यूज़ किया जाता है। ओके सो ये है मेरी द मेन प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइमरी। ओके क्लियर है। सो क्या बोला, द मेन प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी इज फर्स्ट, जो मेन पहले फॉल्ट में प्रोटेक्ट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, मेन रिले या फिर आपका प्राइमरी रिले। ओके प्राइमरी प्रोटेक्शन। ओके द मेन प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन ईच सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। मतलब मेन प्रोटेक्शन तो हर जगह यूज किए जाएंगे सर, ऐसा चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूटिलाइजेशन हो, या फिर कैपेसिटर बैंक हो, कहीं भी मेन सिस्टम तो हर जगह, मेन एक सर रिले तो हर जगह प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके बाद वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ज्यादा प्रोटेक्टिव रिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जैसे जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, सब में ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे लोड सर पे कोई बल्ब जल रहा है, मोटर चल रहा है, एक को प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत है ना। चलिए तो यही है मेन प्राइमरी सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो प्राइमरी वाला ही होता है, वही मेन होता है जो अपने डिजायर्ड अपने वैल्यू में। अब ये भी है, अब देखिए ध्यान रखिए, आगे मैं और चीज बताऊं सर। अब ये भी है कि ये रिले यही नजदीक ही लगेगा, अब ऐसा नहीं है कि ये लगा दिए कानपुर में अब बैठे हैं पटना में रिले बैठेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इसके अपने लिमिटेशन होते हैं, एक सर्टेन रेंज होता है सर, एक रेंज के तहत ही ये काम करता है। क्लियर है, इसका अपना रेंज होता है कि कुछ दूरी पे तो डिस्टेंस रिले, कुछ डायरेक्शन पोर्टुगल इधरे देखेगा पीछे नहीं देख सकता तो डायरेक्शनल रिले, महोर रिले, इंपीडेंस रिले, ओवर करेंट रिले, सो बहुत सारे टाइप के रिले होते हैं। तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो अभी रिले का क्लासिफिकेशन नहीं देख रहा, अभी रिले का यूज देख रहा, पहले तो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है, फिर और सिस्टम को इम्प्रूव देना है, और सिस्टम को सेफ रखना है तो बैकअप भी हम यूज करते हैं, बस इसी की चर्चा इस लेक्चर में होने वाली है। ओके सो पहला प्राइमरी, नाउ बैकअप, या इसी को सेकेंडरी प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, इसी को सर क्या बोला जाता है, और सेकेंडरी प्रोटेक्शन। इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी प्रोटेक्शन। क्लियर है, आइए अब यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर शायद क्लियर है तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा। यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, एक स्टेशन कोई के है, यहाँ एक बस बार है, ट्रांसमिशन लाइन है। सो इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ, ये पिक्चर आप लोग देख लेना है ना, ये लाइन है कोई जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ मेन प्रोटेक्शन सिस्टम ये है, मेन ये है सी डी जी एच मेन है। ओके लेकिन बैकअप के लिए ए भी यूज किया, बी भी यूज किया, इसकी चर्चा आगे करता हूं। आइए सर पहले बैकअप के बारे में जान लेते हैं। सर बैकअप प्रोटेक्शन ऑब्वियसली, अगर प्राइमरी काम नहीं कर पाया, कोई फॉल्ट आया, प्राइमरी काम नहीं किया, तो उसके एडिशनल में अपन बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा है, कहीं जा रहा होगा, तो ये हमारा एक कोई स्टेशन है। ओके और ये बस बार होगा, स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन होगा, उस पर दिया जाएगा और फिर ये आगे क्या होगा सर, भेजा जाएगा या फिर यहां से कहीं और भी जाएगा। तो एक बस बार हमने ये लिया, इसको थोड़ा सॉलिड कर देता हूं, एक बस बार सर हमने ये ले लिया और दूसरा बस बार ये ले लिया। अब मान लो बस बार को इस साइड प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे करा जाए सर, एक ने देखा कि मान लो कि कभी भी इस जोन को प्रोटेक्ट करना या इधर इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सी, ये रहा डी, ये रहा बी, ये रहा ए,
ये रहा ई, ये रहा एफ, ये रहा जी, ये रहा एच, ये रहा जे, ये रहा आई। ओके, अब दिख रहा होगा नौ। क्या करना है सर? इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है सर? तो ध्यान से समझिए। मान लो कोई फेलवर हुआ है, कुछ भी सिस्टम ही रहा, इस जोन को प्रोटेक्ट करना है इसको। तो ये यहां से सेंस किया, ये यहां से सेंस किया, लेकिन अगर मान लो ये ऑपरेट नहीं हुआ तो ये यहां से ऑपरेट करवा देगा। ये क्या करेगा? इसको ऑपरेट करवा देगा। ये आप देखिए सी डी, ओके, यहां पे जी एच, कैसा प्रोटेक्शन है? प्राइमरी प्रोटेक्शन है। ओके, लेकिन ये जो ए बी है, ए बी आई जे, कैसा प्रोटेक्शन है सर? सेकेंडरी प्रोटेक्शन। मतलब एक फेल कर गया तो नेक्स्ट काम नहीं करेगा। ये फेल किया तो ये काम करेगा, ये फेल किया तो ये काम करेगा, ये फेल किया तो ये काम करेगा, ताकि जोन प्रोटेक्ट हो, ठीक है। और अब यहां कहेगा सर ये वाला, अब देखो यहां जरूरी नहीं है कि यहां दो दो दी जाती है, तो ये इधर देखेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इधर का फोल्ट, ये इधर फोल्ट देखने के लिए यूज किएगा, तो यहां बैकअप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहां ये इधर इधर वाले को देखेगा, वो उधर वाले को देखेगा, तो यहां पे कोई बैकअप का इस्तेमाल नहीं है, यहां एक एक ही यूज किया गया। लेकिन यहां इसको देखा गया कि नहीं, इस साइड से डबल की जरूरत है, तो यहां पे ये आपका बैकअप का इस्तेमाल किया गया है। इसके ये एक बैकअप प्रोटेक्शन है, ये एक बैकअप प्रोटेक्शन। अब बैकअप के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, द बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड द बैकअप अप टू द मेन प्रोटेक्शन व्हेन एवर इट फॉल्स इन ऑपरेशन और कट फॉर इट्स रिपेयर। ओके, क्या बोला गया? देखिए क्या, द बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स द बैकअप, ये क्या करता है? एक बैकअप देता है, बैकअप टू द मेन प्रोटेक्शन। मेन प्रोटेक्शन मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन, क्या करता है सर? बैकअप देता है व्हेन एवर, जहां की इट फेल्स, जबकि क्या करता है प्राइमरी? क्या करता है? फेल्स करता है इन ऑपरेशन। जब प्राइमरी क्या कर जाए, ऑपरेशन में अपना फेल कर जाए, ऐसे कंडीशन आप बैकअप प्रोटेक्शन यूज करते हो, और इट कट आउट ऑफ फॉर रिपेयर्स। ओके, या फिर मान लो कहीं रिपेयर की जरूरत हुई इसको, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी, द बैकअप प्रोटेक्शन इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस व्हिच आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन ऑफ द सिस्टम इन द केस द मेन प्रोटेक्शन फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर कोई यहां फॉल्ट हो जाए सर, तो अगर ये डिडक्ट नहीं कर पाया तो ये डिडक्ट करके इसको ट्रिप करवा देगा। ओके, क्लियर है? सो मेन फंक्शन तो क्लियर है, द बैकअप प्रोटेक्शन इज द सेकंड लाइन, ये सेकंड है। ओके, ऑफ द डिफेंस, डिफेंस का एक लेयर। मान लो आप देखते हो ना, जैसे कि पीएम है, होते हैं देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके एक लेयर होते हैं, पहला लेयर वो उसकी सिक्योरिटी लेवल अलग होती है, दूसरा लेयर अलग होती है, तीसरा लेयर अलग होती है, और सबसे लास्ट में पुलिस मिलेगा, है ना, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, या जहां की भी पुलिस होगी। ओके, वो सबसे लास्ट लेयर है, और उससे पहले स्ट्रांग ब्लैक कमांडो, क्या क्या कमांडो होते हैं। ओके, तो इस तरीके से होते हैं। सिमिलरली ये है था सेकेंड डिफेंस, व्हिच आइसोलेट द फॉल्टी, ये भी क्या करता है? फॉल्टी कंडीशन को आइसोलेट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी जानकारी आपको मिल चुकी है। द फेल्योर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द डीसी सप्लाई इन द सर्किट। कहता है कि मान लो कोई रिले में या प्रोटेक्शन जोन में अगर फेल्योर होता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन, मान लो प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल कर गया, उसका रीजन है कि उसके डीसी सप्लाई हो सकता है खराब हो। हालांकि उसके रीजन कई हो, नॉट ओनली डीसी सप्लाई, क्योंकि आपने देखा था ना रिले ऑपरेट कैसे, फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोई रिले ऑपरेट कैसे करता है जी। कोई एक सिटी देखा, ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, वो अपने कॉइल को ज्यादा इनर्जाइज किया, वो दूसरे आयरन पार्ट को, लोहे को खींचा, तो सर्किट क्लोज होगा। सर्किट क्लोज तब हुआ क्योंकि उससे बैटरी लगा हुआ था, वो क्या करेगा, हेविली खींच देगा सर्किट ब्रेकर के एक पार्ट को, हट गया, डिस्कनेक्शन हो गया। तो कहता है कि ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल कर रहा है, इसका एक ही रीजन ये भी हो सकता है कि उसका बैटरी क्या हो, प्रॉपर वे में ऑपरेट नहीं कर रहा हो। कह रहा है बिकॉज ऑफ,
द फेल्योर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ डीसी सप्लाई सर्किट. उस प्रॉपर डीसी सप्लाई वो नहीं दिया होगा तो इस कारण बोला गया कि हो सकता है फेल्योर. तो ये भी एक रीजन है, सिर्फ डीसी सप्लाई रीजन नहीं हो सकता, हो सकता है सर्किट ब्रेकर टूट ब्रेक किया गया हो कहीं. सो ये भी एक रीजन हो सकते हैं, पर यही एक रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन होगा और सारे रीजन मैं आपको बताऊंगा. करेंट और वोल्टेज सप्लाई टू रिले सर्किट, रिले प्रोटेक्टिव सर्किट और बिकॉज ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स. क्या कह रहा सर्किट ब्रेकर, क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ द फेलर ऑफ डीसी सप्लाई सर्किट या फिर करेंट वोल्टेज सप्लाई टू रिले सर्किट. इसके क्या कारण है कि हो सकता है कि डीसी सप्लाई फेल कर गया हो या फिर करंट और वोल्टेज सप्लाई टू दिस रिले सर्किट, रिले सर्किट को करंट वोल्टेज सप्लाई नहीं गया हो तब, या फिर रिले प्रोटेक्टिव सर्किट और रिले प्रोटेक्टिव सर्किट और बिकॉज ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर के कारण क्या है, अगर इन सब जगहों पे सप्लाई नहीं पहुंचता करंट वोल्टेज तो ये क्या होगा, प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किया होगा, इसीलिए आपको बैकअप प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. लेकिन बैकअप भी खराब हो जाए तो सिस्टम को जाना ही पड़ेगा. या मान लो दो इंजन है, एक इंजन फेल कर गया तो दूसरा काम किया, दूसरा भी फेल कर गया तो फिर गए काम से, फिर तो अपन नहीं. अब पता चला खाली बैकअप पे भी बैकअप देते जाएंगे तो सिस्टम तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसका भार उठाना मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ बैकअप प्रोटेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी. नाउ कुछ बेसिक फैक्ट्स है कि द बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स द मेन प्रोटेक्शन. बैकअप प्रोटेक्शन किसके जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, मेन प्रोटेक्शन के जो के जगह पे. लेकिन इट कैन फॉलो लाइक बट इट कैन फॉल्स ड्यू टू मेनी रीजंस. ये जो है आपका बैकअप जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है उसके फेलियर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. जैसे कि प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर फेल करता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, पहला कंडीशन है फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर. हो सकता है कि सर्किट ब्रेकर फेल कर जाता हो, इसके कारण भी हो सकता है. दूसरा कंडीशन है फेलियर इन प्रोटेक्टिव रिले. अगर प्रोटेक्टिव रिले प्रॉपर काम नहीं किया तब भी आपका फेल ऑपरेट नहीं होगा. नेक्स्ट कंडीशन है फेलियर इन ट्रिपिंग सर्किट. मान लो ट्रिप प्रॉपरली नहीं कर रहा, ट्रिपिंग सर्किट वगैरह के बारे में हमने तो बताया ही था. ट्रिपिंग सर्किट मतलब कि अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर काम ना करे तो क्या होगा सर, दूसरा प्रोटेक्शन आपको यूज करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट कह रहा है फेलियर इन डीसी ट्रिपिंग सर्किट. जो डीसी यूज करते हैं वो प्रॉपरली नहीं काम करे, वो फेल कर जाए तो भी ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट कहता है लॉस ऑफ वोल्टेज और करेंट सप्लाई टू दी रिले. ऐसा भी हो सकता है लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट का लॉस और सप्लाई टू दी रिले, रिले में जितना जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा. और इन द मेन प्रोटेक्टिव इज इन ऑपरेटिव फॉर पर्पस ऑफ द मेंटेनेंस टेस्टिंग द बैकअप प्रोटेक्शन एक्ट लाइक ए मेन प्रोटेक्शन. मतलब क्या बोला है कि कहीं पर सर अगर मेन प्रोटेक्टिव जोन अगर ये है, ये है प्राइमरी प्रोटेक्शन और ये है आपका बैकअप या सेकेंडरी प्रोटेक्शन. ओके, बैकअप प्रोटेक्शन. तो सपोज दैट मैं कहता हूं कि मान लो ये काम नहीं किया, ये अगर ये काम नहीं किया तो ये काम किया तो ये बैकअप का हो गया. लेकिन हो सकता है इसको आप मेंटेनेंस के लिए दोगे, मेंटेनेंस के लिए ले जाओगे तो इसको हटाओगे ना, तो ऐसे कंडीशन पे बैकअप प्रोटेक्शन कैसा एक्ट करेगा सर, एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन, एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन. तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैकअप प्रोटेक्शन और प्राइमरी प्रोटेक्शन के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी मिल चुकी होगी. अपकमिंग लेक्चर में, अपकमिंग सेशन में देखते हैं इससे रिलेटेड आगे देखूंगा, खासकर इसमें ना क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कैसे होता है, इंडक्शन टाइप कैसा होता है, अट्रैक्टिव टाइप कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कैसा होता है, इन सारी चीजों की जानकारी जल्दी फटाफट करके इस रिले को भी कोशिश करते हैं खत्म करने की. ओके, बेस्ट ऑफ लक.